खास हम आप लोग के लिए है ये रहा नया बाइक। कभी कभी होता है ना कि आपका सामने गाड़ी जा रहे ना ज्यादा स्पीड पे ना ज्यादा कम पे। हेलो गाइस, आई होप सब ठीक ठाक हो। तो आज हम आप लोग के लिए है ये रहा नया बाइक। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये है हिमालयन नया BS6 वाला रॉयल एनफील्ड से। तो आज हम इसका बारे में कुछ आप लोग को बोलने वाले हैं, मतलब बेसिक रिव्यू। ऐसा नहीं कि इसका फुल स्पेसिफिकेशन तो नहीं देने वाले क्योंकि ऐसा वीडियो बहुत सारा है यूट्यूब पे। हम बस कुछ बेसिक देने वाले और चला के कैसा लग रहा है इसका बारे में आप लोग को बोल रहे हैं हम आप थोड़ी देर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप सब लोग को अच्छा लगेगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगा तो और कुछ भी हो कमेंट करना। तो अभी चलते हैं, आपको बाइक के बारे में थोड़ा बोलते हैं आप सभी को। जैसे कि आप लोग को बताया तो ये है 411cc का इंजन जो कि काफ़ी बड़ा दिखता है एक्चुअली। अगर आप देखो हाँ, इंजन पे अगर ऐसा लाइन लाइन होता है तो वो कभी भी लिक्विड कूल इंजन नहीं होता है, लिक्विड कूल वाला प्लेन रहता है। आप ड्यूक पे R15 ये सब पे देख सकते हैं उसका इंजन अलग है। मतलब ऐसा अगर कोई भी इंजन पे कट रहता है ऐसा गैप तो इंजन एयर कूल होता है, लिक्विड कूल कभी नहीं होता है। और तो गाइस इसका जो एग्जॉस्ट नोट है हम आपको वो सुना रहे हैं। सबसे पहले आप इसका एग्जॉस्ट नोट जरूर सुन लीजिए। और का जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये ऐसा लगता है कि ये मतलब लिक्विड कूल का वो है मैकेनिज्म, बट ये लिक्विड कूल है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था लेकिन जब आज करीब से देखा तभी पता चला। पता नहीं कुछ पाइप वगैरह भी है लेकिन यहाँ पर कूलेंट घुसाने का तो जगह है नहीं, पर कूलेंट घुसाने का जगह नहीं है। मतलब एक्चुअली जो भी हो ये लिक्विड कूल इंजन नहीं होता है क्योंकि लिक्विड कूल इंजन में ऐसा नहीं रहता है कभी भी। ये वाला इंजन जहाँ भी है वो वाला एयर कूल होता है, मतलब हवा से ठंडा होता है, लिक्विड से नहीं, मतलब कूलेंट नहीं डालना पड़ता है यहाँ पे। और बाकी टायर वगैरह के बारे में क्या ही बोलो, ये तो ऑफ रोडिंग है आप लोग को पता ही होगा। मतलब जो भी हो इस इतना डिटेल्स पे नहीं जाते हैं। और यहाँ पे स्पॉकेट होता है और स्पॉकेट रॉयल एनफील्ड में क्यों देते हैं आई गेस आप सभी को पता ही होगा। अगर नहीं पता है इनकेस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। स्पॉकेट देने का भी एक कारण होता है और इसीलिए ये टायर ओबियसली ट्यूब वाला होता है, ट्यूबलेस टायर नहीं होता है यहाँ पे। और बाकी एग्जॉस्ट का साउंड भी आपको सुनाई दिया। और यहाँ पे डबल मार्कड है ये वाला टायर का है और इसका ऊपर में ये थोड़ा ऑफ रोडिंग लुक्स देने के लिए भी अच्छा है। और नंबर प्लेट पूरा अंदर पे है। और बाकी इस बार हेजर लाइट यहाँ पे दिया हुआ है पहले से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। अभी तो फिलहाल रात नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं दिख रहा हुआ कि नहीं, तो ये सब ठीक ठाक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बाइक का लुक्स क्या ही बोलूँ। और ऐसे भी ये सब बाइक का लुक्स के लिए नहीं होता है, ये सब ऑफ रोडिंग और टूरिंग के लिए ज़्यादातर होता है। यहाँ पे ये वाला पहले से लगा हुआ है टॉप बॉक्स लगाने के लिए, आप सीरियल ब्रेक भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं इसको चला के देख लेते हैं। हम तो चला चुके हैं पर फिर भी आप लोगों के लिए आपको एक बार दिखा रहे हैं हम। तो गाइस आप लोग देख पा रहे होगा इसका मीटर सेक्शन काफ़ी बड़ा है, पूरा कार जैसा ऑलमोस्ट। तो इसको ऑन करते ही कुछ ऐसा नज़रिया होता है, उसका वजह से हम इग्निशन मतलब इग्निशन ने कील स्विच ऑन करते हैं, तो टैंकी का मोटर का साउंड और प्लस ये डिस्प्ले। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता आप सभी को इतना समझाने का ज़रूरत है। ये स्पीड वाला है, ये RPM है, ये गियर शिफ्टिंग का इंडिकेटर है, ये फ्यूल का इंडिकेटर है और ये टाइम। और यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं, मैप मतलब ऐसा नहीं कि पूरा मैप आता है यहाँ पे, बस मतलब एरो देके दिखाता है मेरे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है ऐसा एरो देके यहाँ पे दिखाता है। और ये वाला है आपका छोटा सा, और मतलब छोटा सा नहीं मतलब थोड़ा वो वाला स्क्रीन जहाँ पे आपका ऑडोमीटर ट्रिप दिखाता है, जो नॉर्मल लाइफ के सब दिखाता है। पर मुझे एक चीज़ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे ऐसा क्यों, यहाँ पे भी टाइम दिखाई रहे, उधर भी एक टाइम है, मतलब एक ही जगह टाइम जाने से हो जाता लेकिन यहाँ पे दो दो टाइम है, इधर भी टाइम है और यहाँ पर भी टाइम है। मुझे नहीं पता ये किस लिए ऐसा किया। और यहाँ पर जो एक डिग्री दिखाता है अभी जैसे कि 41°C है, मुझे नहीं पता है इंजन का है या वेदर का है, मतलब डाउट होता है। कभी कभी वेदर का लगता है लेकिन कभी कभी इंजन का नहीं, मतलब इंजन का भी लगता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हम चलाया था उस टाइम 21°C रह रहा है, इंजन कभी भी 21°C नहीं रहता है, इसके ऊपर ही रहता है। और अभी दिखा रहे 41°C और अभी वेदर हम लोग का यहाँ पे 41°C है नहीं,
तो इसलिए कभी कभी डाउट होता है। अभी देखते हैं चलाने के बाद चेंज होता है कि नहीं, मतलब अगर ये इंजन का है तो ये बहुत इरर होता है, इसको ठीक करना चाहिए। और बाकी यहाँ पे ABS का स्विच पता शायद ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और ये सब तो पता ही, आपका बैटरी इंडिकेशन, ये ABS, ये न्यूट्रल वाला, ये वो साइड इंडिकेटर, ये इंजन का स्विच है और एक हेडलाइट का, तो सब ठीक ठाक ही है। अभी चलो आप लोग को दिखाता हूँ। और यहाँ पे हॉर्न काफ़ी अच्छा है, पास, ये लाइट, लो बीम, हाई बीम, ये इंडिकेटर, और ये डबल इंडिकेटर, और ये मतलब पार्किंग वाला लाइट, और ये किल स्विच, और ये रहा इग्निशन। तो चलिए अभी आप लोग को मोटर ब्लॉक के मिलते हैं। तो गाइस आप जब ये बाइक चलाएंगे ना, फर्स्ट पे आप ये फील करेगा, अगर आप पहले से रॉयल एनफील्ड चलाते हो, ये गाड़ी स्मूथ ज़्यादा है। मैं मेटेरियर नहीं चले अब तक, मेटेरियर भी बहुत स्मूथ है मैं सुना ऐसा, लेकिन ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मतलब नॉर्मली रॉयल एनफील्ड का बाइक से जो है वो सबसे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इवन जो BS4 हिमालयन है, मतलब हिमालयन रहते थे जो हम चला चुके ऑलरेडी पहले, पुराना वाला हिमालयन, तो उससे भी कंपेयर करेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है उससे, काफ़ी मतलब बहुत हद तक। तो आपको स्मूथनेस के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं होगा। हालांकि ये अभी तक फास्ट सर्विसिंग नहीं भी हुआ भी नहीं, तो इसलिए भी इंजन नया है, इसलिए भी स्मूथ है, पर फिर भी थोड़ा तो स्मूथ है ज़्यादा। और बाकी आप ये वाला गाड़ी में आपको पता ही है वो जर्किंग वगैरह होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत क्या है लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बाइक टूरिंग के लिए ओबियसली है, अच्छा है। पावर के बारे में बात करो तो पावर भी ठीक ठाक ही देता है, ठीक ठाक मतलब क्या, आप इसका फन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब शॉर्ट पिकअप इंस्टेंट हो जाता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा है। जैसे कि आप अगर थर्ड गियर में है, फोर्थ गियर पे भी हो, आपको थोड़ा टोटल घुमाना है तो घुमाने से पिकअप आराम से खींच लेता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा लो खींचता है उसके बाद ज़्यादा खींचता है, ऐसा है नहीं। मतलब आपका सेकेंड गियर में जैसा खींचेगा, थर्ड गियर भी, फोर्थ गियर भी ऐसे खींचता है, तो इसके लिए अच्छा है। और बड़ा सीसी का इंजन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो और ये बाइक भारी है, ऑलमोस्ट 200 kg, तो भारी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप मतलब थोड़ा क्या बोलूँ इसको, पतला वगैरह है, तो ये बाइक आप लोग के लिए शायद नहीं है, मतलब कष्ट होगा थोड़ा चलाने से भी। बाकी बाइक बहुत बड़ा दिखता है, रिंग भी बहुत बड़ा है, ऊपर से आपको चला के भी अच्छा लगेगा। और ये सिटी राइड के लिए तो है ही नहीं, पर आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मतलब इतना ज़रा कुछ इशू नहीं होने वाला है, बस इंजन थोड़ा हीट जल्दी होगा वो तो है ही, और यहाँ पे लिक्विड कूल का सिस्टम भी नहीं है, तो इसीलिए भी थोड़ा इंजन बहुत हीट होगा। तो गाइस और एक पॉइंट, मतलब कभी कभी होता है ना कि आपका सामने गाड़ी जा रहे ना ज़्यादा स्पीड पे ना ज़्यादा कम पे, लेकिन आपको उसको ओवरटेक भी करना है, तो सब बाइक में ये कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, लेकिन ये बाइक पे आराम से मिलता है। आप थोड़ा चलाते रहने से आपको पता चल जाएगा, मतलब पिकअप है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है, भारी है पता नहीं चलता, लेकिन है पिकअप, तो आप आराम से ओवरटेक कर सकते हैं ये बाइक से। और गाइस इसका ब्रेकिंग बोलो तो ब्रेकिंग भी काफ़ी हद तक अच्छा है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हम ऑलमोस्ट 40 पे है, तो ब्रेकिंग पहले वाला से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो पहले का मोड होता था वो सबसे। हालांकि ये बाइक भारी है इसलिए आपको थोड़ा तो डर लगेगा ब्रेक मारने में, क्योंकि स्लिप होने का थोड़ा चांसेस है, ऐसा नहीं कि, पर इतना इजीली होगा नहीं, क्योंकि आजकल सब चीज़ एडवांस है, इधर ABS भी है, तो ये सब इतना ईजिली होगा नहीं। मतलब आप मार सकते हैं इंस्टेंट ब्रेक, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आपको थोड़ा मतलब ये बाइक भी संभालना आना पड़ेगा। और वही मैं बोला इसलिए स्ट्रीट फिटर नहीं है, आप सिटी के अंदर पूरा ऐसा ऐसा करके नहीं चला सकते, क्योंकि मतलब रफ नहीं चला सकते, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है बाइक, उसका चलते ये थोड़ा क्या होगा। बाकी ऐसे ही आप खुला रास्ता में, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे नॉर्मल इतना ट्रैफिक नहीं होता, ये सब के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब और लॉन्ग टूर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कोई भी बाइक मतलब जैसे टूरिंग सेगमेंट का, अगर आपका 100 जैसा आराम से खिंचाता है, मतलब 100 से 130 तक पकड़ लो, तो सब बाइक सफिशेंट हो जाता है उसका स्पीड, क्योंकि इतना ही चलेगा। अब इतना हाई स्पीड में तो जाएगा नहीं, और इतना हाई स्पीड जाएगा तो मतलब विंड लगेगा बहुत, और विंड से अभी आता है आपका जो विंडशील्ड है, ये विंडशील्ड काफ़ी अच्छा काम करता है गाइस। लेकिन मुझे ये बाइक पे एक प्रॉब्लम लगा ना, अगर आप ऐसा मतलब ये विंडशील्ड है ना, नॉर्मली विंड लगना अलग है, विंडशील्ड से जो काट के विंड लगते हैं ना गाइस, वो विंड अलग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अगर ये बाइक चला रहे हैं हेलमेट का अगर ग्लास नहीं है, तो आपको काफ़ी दिक्कत आने वाला है, क्योंकि आप जैसे ही हेलमेट खुलेगा पूरा मतलब आप सुन सकते होगा हवा का, मैं तो इतना स्पीड पे भी नहीं हुआ अभी, तो जैसे आप ग्लास खुलते हैं ना गाइस, ये जो हवा है विंड, ये कट होकर डायरेक्ट आपका हेलमेट का अंदर घुसता है, मतलब आग पे लगता है। तो नॉर्मली आप जब चलाते हैं बिना ग्लास का हेलमेट वाला, मतलब जो हेलमेट पे ग्लास नहीं है, ग्लास या फिर उठा के, तो आपको जितना हवा लगता है उससे ज़्यादा यहाँ पे हवा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट विंड कट करके आता है। आई होप सो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ चुके होंगे। तो यही है बाइक के बारे में, और क्या ही बताओ, अगर आपको कुछ और डिटेल्स जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। और इसका हम अभी टॉप स्पीड वगैरह सब कुछ भी नहीं करने वाले, ये नया बाइक है,
और प्लस मैं ये बाइक ऐसे भी टॉप स्पीड का नहीं देखने वाला ऐसा रास्ता पे, हाईवे पे कभी अलग मौका मिला तो अलग बात है। और क्योंकि ये बाइक बहुत भारी भी है, जैसे कि मैं बोला, खाली भारी का बात नहीं, एक्चुअली भारी का साथ साथ आपका सीटिंग पोस्चर और एरोडायनेमिक सब देखना पड़ता है। वो सब बाइक स्पीड में चलाने के लिए अच्छा होता है। अभी इसमें हम 200 भगाएंगे तो कंट्रोल नहीं होगा हम, मतलब हाथ से तो बहुत दिक्कत होगा। और मुझे नहीं लगता ये 200 तक जाएगा, 150 तक जाएगा कि नहीं पता। मतलब मैं इसका वो टॉप स्पीड ये सब वीडियो नहीं देखा, क्योंकि ये सब बाइक टॉप स्पीड वगैरह के लिए नहीं होता है। ये सब बाइक होता है आराम से आप टूरिंग करने के लिए, ये सब कंफर्टेबल के लिए होता है। और बाकी सब ठीक ठाक है, लुक्स ठीक ठाक है। एलईडी हेडलैम्प पहले से देने से ज़्यादा अच्छा था, हालांकि आप लगा सकते हैं। तो वही है बाइक के बारे में। तो गाइस आई होप आप लोग को वीडियो देख के अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ बता देना बाइक के बारे में, अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स कुछ जानना हो या फिर आपको पता हो। और अगर आप चैनल पे नया आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और कुछ याद आ रहा है तो ज़रूर बताने वाला हूँ, लेकिन अभी कुछ फिलहाल याद नहीं आ रहा है सब। मतलब नॉर्मली तो बाइक सब सेम ही होता है, और जैसे कि मैं बोला इतने स्पेसिफिकेशंस नहीं बोलने वाला हूँ मैं, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको बहुत मिलेगा, मेरे पास अपना एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो ये चला के काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है गाइस, ये तो माना मैं। आप इसका एग्जॉस्ट कभी चेंज मत करना वाले एग्जॉस्ट से, जो है वही ठीक है। ये सब बाइक लाउड नॉइस के लिए नहीं होता इतना। और आरबीएम मिरर भी काफ़ी अच्छे है, मतलब जो क्लासिक में है उससे तो एटलीस्ट बेटर है। क्लासिक में बहुत हिल रहा है, यहाँ पे इतना नहीं हिल रहा है। तो खैर यही है बाइक के बारे में। तो और ये हमारा एक नया दोस्त, मतलब हमारा एक दोस्त ये वाला बाइक लिया नया मॉडल, तो उसके लिए बेस्ट विशेस ताकि अच्छे से चलाए। तो अभी करते हैं टाटा बाय बाय। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ।